हरे कृष्णा। अभी हम भगवद गीता के छठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 26 पर विचार करेंगे। यतो यतो निश्चलति ही मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतन् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यतो यतो निश्चलति, जहाँ जहाँ चलायमान होता है, चला जाता है कौन? मन। मन चंचलम अस्थिरम, ये चंचल है मन और अस्थिर यानी एक स्थान पर नहीं टिकता है, चंचल है ना? और एक स्थान पर नहीं टिकता है। तो ये मन जो है जहाँ जहाँ भी जाता है ततस्ततो नियम्य तद, वहाँ वहाँ से इसको ला करके आत्मन्येव शमनयेत् श्री कृष्ण में ही लगाए, श्री कृष्ण में ही लगाना चाहिए आत्मन्येव शमनयेत्। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि मन को श्री कृष्ण में लगाकर अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि मन को श्री कृष्ण में लगाकर अन्य कुछ भी चिंतन नहीं किया जाए उस समय क्या मन श्री कृष्ण में लगा रहेगा? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने कहा कि मन चंचल होने के कारण जहाँ जहाँ भी भागता है वहाँ वहाँ से मन को पकड़कर श्री कृष्ण में ही लगाना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम अस्थिरम, अर्थात चंचल तथा अस्थिर होने के कारण मन जहाँ जहाँ भी जाता है। इस संबंध में योगपथ नामक पुस्तक में शिला प्रभुपाद लिखते हैं यही असली योग विधि है। यदि आप अपने मन को श्री कृष्ण में एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हों और मन विचलित हो रहा हो सिनेमा में या अन्यत्र जा रहा हो तो आपको भागते हुए मन को वापस लाना चाहिए। वहाँ नहीं, यहाँ आओ, यही योग है। मन को श्री कृष्ण से दूर ना जाने देना, एक स्थान पर बैठकर मन को श्री कृष्ण पर स्थिर रखने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सचमुच यह बहुत कठिन कार्य है। यदि किसी को ऐसा अभ्यास नहीं है और वह इस विधि का अनुकरण करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उलझन में पड़ जाएगा। इसके बजाय हमें चाहिए कि हम जो भी करें उसे श्री कृष्ण से जोड़कर अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाएं। हमारे नित्य प्रति के कार्य इस प्रकार ढल जाने चाहिए कि वे श्री कृष्ण के निमित्त किए जाएं। इस तरह मन श्री कृष्ण पर स्थिर रहा आएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमें एक स्थान पर बैठकर नाक के अगले सिरे पर ताकने का प्रयास करना चाहिए। इस युग में तो इस प्रकार योग में लगना बनावटी होगा। इस युग की विधि तो
जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करने और उसे सुनने की है। तब यदि मन विचलित भी हो तो वो हरे कृष्ण ध्वनि पर एकाग्र होने के लिए बाध्य होगा। मन को हर वस्तु से हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं हट जाएगा क्योंकि तब ध्वनि पर एकाग्र होगा। यदि हम किसी स्वतःचालित गाड़ी को गुजरते हुए सुनते हैं तो हमारा मन स्वतः उधर खींच जाता है। इसी तरह यदि हम निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन करें तो हमारा मन स्वतः श्री कृष्ण पर स्थिर होगा, यद्यपि हम तमाम अन्य बातों को सोचने के अभ्यस्त हैं। मन का स्वभाव चंचल तथा अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को अपने मन को नियंत्रित करना होता है। ऐसा नहीं कि मन योगी पर नियंत्रण करे, अभी तो मन हमें नियंत्रित कर रहा है। मन हमसे कह रहा है, महाशय उस सुंदर लड़की की ओर क्यों नहीं देखते इति, और हम उधर देखने लगते हैं। मन कहता है, उस बढ़िया शराब को क्यों नहीं पीते, और हम कहते हैं अवश्य, अमुक स्वादिष्ट भोजन के लिए इस भोजनालय में क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। इस तरह मन हमारे ऊपर अपना रौब जमाता है और हम उसका पालन करते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा या समस्त इंद्रियों के केंद्र मन के द्वारा नियंत्रित होना, क्योंकि इंद्रियां मन की सहायक हैं। स्वामी मन आदेश देता है, जाओ और देखो, तो आँखें मन के निर्देशानुसार इंद्रिय विषय पर दृष्टि डालती हैं। मन हमें किसी स्थान पर जाने को कहता है और पांव मन के निर्देशानुसार हमें वहां ले जाते हैं। इस तरह मन के निर्देशन में होने का अर्थ है इंद्रियों के नियंत्रण में रहना। यदि हम मन को नियंत्रित कर सकें तो हम इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं होंगे। जो व्यक्ति इंद्रियों के नियंत्रण में होता है वह गोदास कहलाता है। गो का अर्थ है इंद्रियाँ तथा दास का अर्थ है नौकर। जो इंद्रियों का स्वामी होता है वह गोस्वामी कहलाता है, क्योंकि स्वामी का अर्थ है मालिक। इसलिए जिसे गोस्वामी की पदवी मिली रहती है वो इंद्रियों का स्वामी होता है। जब तक व्यक्ति इंद्रियों का दास बना रहता है वह गोस्वामी या स्वामी नहीं कहला सकता है। जब तक व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता है तब तक उसके द्वारा स्वामी या गोस्वामी की पदवी स्वीकार करना एक प्रकार की धोखाधड़ी है। ये तो रूप गोस्वामी थे जिन्होंने गोस्वामी शब्द की परिभाषा दी। प्रारंभ में सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी गोस्वामी नहीं थे, अभी तो वे सरकारी मंत्री थे। जब श्री चैतन्य के शिष्य बन गए तब जाकर वे गोस्वामी बने। अतः गोस्वामी कोई वंशानुगत पदवी नहीं है, अभी तो यह योग्यता है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार वो इस तरह योग्य बनता है। जब व्यक्ति मन तथा इंद्रियों के नियंत्रण में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तभी वह गोस्वामी कहला सकता है और तब गुरु बन सकता है। अपने मन को वश में किए बिना वह फिसड्डी गुरु होगा इति। भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत 23वें अध्याय में वर्णन आता है कि सुख दुख के कारण ना तो समाज के लोग होते हैं, ना देवतागण होते हैं, ना अपना शरीर होता है, ना शुभ अशुभ ग्रह होते हैं, ना विगत कर्म होते हैं और ना काल ही होता है। ये तो एकमात्र मन ही है जो सुख तथा दुख का कारण है। यही मन भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। शक्तिशाली मन ही भौतिक गुणों को अर्थात सत्व रज तथा तम इन गुणों को कार्यशील बनाता है। इन्हीं गुणों से फिर सात्विक राजसिक तथा तामसिक कर्म होते हैं तथा उनके अनुसार ऊर्ध्व मध्य तथा निम्न गतियाँ प्राप्त होती हैं। ये मन बलवान होने के कारण अच्छी सलाह को नहीं सुनता है। यहाँ तक कि हमें यह बताए जाने पर भी कि धन कमाने के लिए हम अनेक पाप व अपराध करते हैं, मन कहता है कि किसी भी कीमत पर धन तो कमाना ही है, क्योंकि धन के बिना ना तो कोई धार्मिक उत्सव संपन्न किया जा सकता है, न ही सुंदर स्त्रियों महलों तथा कारों से इंद्रियों की तृप्ति ही की जा सकती है। अब जिस समय धन मिल जाता है उस समय व्यक्ति को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु इस संबंध में जिद्दी मन अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं देता। जिस समय जीव मन को आत्मा के रूप में अपना मान लेता है उस समय वह विषयों को भोगने में लग जाता है। यदि मन बस में ना किया गया हो तो दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने से क्या लाभ होगा। समस्त इंद्रियाँ अनंत काल से
मन के बस में रही हैं, परंतु मन किसी के भी बस में नहीं रहता है। यह मन भयानक रूप से बलवान है, इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को बस में कर लेता है वह देवताओं का भी स्वामी बन जाता है। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु के रूप में मन को जीत नहीं पाते हैं, और समय मन हृदय को सताता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विमोहित होकर अन्यों से व्यर्थ ही शत्रुता करता है। मन जब मिथ्या अहंकार में लीन होता है उसमें भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, और शरीर से अपनी पहचान करने से जीव मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान से अभिभूत हो जाता है। जो लोग अपनी पहचान भौतिक शरीर से करते हैं, जो मन के ही द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं। अपने इस भ्रम के कारण वे अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन अत्यंत चंचल तथा अस्थिर होने के कारण अनेक प्रकार से दूर जाता है। अब दूसरी शिक्षा है, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तथा ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव शमयेत्, अर्थात वहाँ वहाँ से इस मन को खींचकर श्री कृष्ण के बस में करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मन स्वभाव से चंचल तथा अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन बस में लाना होता है। गोस्वामी उसे कहते हैं जो इंद्रिय सुख के ऊंचे धरातल को जानता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां हृषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है कि मन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है इति। जिस समय मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों में जाता है, उस समय भक्त अपने मन को इस प्रकार समझाता है, अरे मन, जिन श्री कृष्ण का शास्त्रों ने वर्णन किया है, जो श्री कृष्ण मन से ध्यान करने के योग्य हैं, उन श्री कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं लेते? जो श्री कृष्ण लीला से ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते, पालन करते तथा संहार करते हैं, उन श्री कृष्ण को तुम क्यों नहीं जानना चाहते हो? जो श्री कृष्ण सभी जगह उपस्थित रहकर भी दृढ़ भक्ति होने पर अपने भक्त का स्वयं अनुसरण करते हैं, उन श्री कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं करते हो? समस्त चर अचर आदि के चक्र को चिरकाल से चलाने वाले तथा प्रत्येक के चित्त में विचरण करने वाले श्री कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते हो? जिनके द्वारा दुग्ध पान करते ही पूतना का उद्धार हो गया, उन श्री कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते हो? काली सर्प की फण मंडली जिन श्री कृष्ण की नृत्य स्थली बनी, उन श्री कृष्ण की शरण क्यों नहीं लेते हो? जिन श्री कृष्ण ने दावानल का पान किया, उन श्री कृष्ण को अपना रक्षक क्यों नहीं बनाते हो? जो श्री कृष्ण घोर संकटों में भी अपने भक्तों के रक्षक हैं, उन श्री कृष्ण की सुरक्षा में क्यों नहीं आते हो? जो श्री कृष्ण क्रूर हृदय वाले दुष्ट दैत्यों के सामने निर्भीक होकर चलते हैं, उन श्री कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं लेते हो? जो श्री कृष्ण इन भुवनों में नित्य नाना तरह के अवतार लेते रहते हैं, उन श्री कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते हो? जो श्री कृष्ण दीन भक्तों के दुखों पर विचार करते हैं तथा धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, उन श्री कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार भक्त अपने मन को श्री कृष्ण की शरण में लाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह अपने मन को सभी स्थानों से खींचकर श्री कृष्ण की शरण में लगाए, परंतु कलयुग में भक्त अपने मन को हरि नाम की शरण में लगाता है। वो अपने मन से कहता है, अरे मन, इस कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन हरि नाम है, अतः तू हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण कर। इस हरि नाम से यथाह भवसागर सूख जाएगा, बीच में मार्ग बन जाएगा और तुम आसानी से चलकर पार कर देगा। इस कलयुग में श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त धर्म कर्म तप ज्ञान योग पूजा ध्यान आदि सभी उपाय निष्फल हैं। अरे मन, तू भुक्ति व मुक्ति की कामना मत कर। यदि तुझे इस भारत भूमि में जन्म मिला है तो आनंद पूर्वक हरे कृष्ण का कीर्तन कर, क्योंकि इतनी सुविधा किसी अन्य जन्म में
मिलेगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। सभी शास्त्र तथा पुराण कहते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण के नाम के समान शक्तिशाली और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपने मन को खींचकर श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि जहाँ जहाँ मन जाता है, निश्चलति का मतलब है कि हमने लगाया है श्री कृष्ण में मन को, लेकिन नहीं चलती, तो वो जो है इधर उधर जाता है, तो मन जाता है। तो अगर मन जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है, इसमें कोई दुर्घटना नहीं समझना है कि कोई दुर्घटना है। क्यों? क्योंकि मन स्वभाव से कैसा है, चंचलम अस्थिरम, स्वभाव से ही चंचल है। तो मन जो हमें मिला है, जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात और बहुत इसमें शोक करने की बात नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि करना क्या है आपको, इसको जो है ततस्ततो नियम्य तद, वहाँ वहाँ से नियमित करके आत्मनिय वशम नये, तो श्री कृष्ण के ही वश में लाना है, श्री कृष्ण के ही चरणों में लगाना है। तो श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को बांधना है। तो ये मन चूँकि अशुद्ध है, मन चूँकि दूषित है, इस कारण से श्री कृष्ण में नहीं लगता। तो श्री कृष्ण के चरण कमल परम पवित्र हैं, पवित्रम परमम भवान, गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 में अर्जुन कहते हैं पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं, और मन हमारा अपवित्र है। तो चूंकि मन अपवित्र है तो श्री कृष्ण के चरणों में लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव शमनयेत्। तो वहाँ वहाँ से खींच, जहाँ जहाँ भी जाए मन को वहाँ वहाँ से खींच करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो श्री कृष्ण के चरणों के ही बारे में कहा गया है ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। तो श्री कृष्ण के चरण कमल ही ध्यान की वस्तु हैं। ध्येयम, तो श्री कृष्ण के चरण कमल क्या हैं, ध्येय का मतलब है ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान की वस्तु हैं। हमेशा मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाया जाए तो श्री कृष्ण के चरण कमल का जो उपयोग है वो इसी प्रकार से है कि उनके चरण कमलों का हमेशा ध्यान करना चाहिए। ध्येयम सदा परिभवग्नम, परिभवग्नम, परिभव का मतलब है इस संसार में बहुत से हमारे जो है असफलताएं होती हैं, हमारे साथ बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, उससे परिभव कहते हैं। और परिभव घनम, तो श्री कृष्ण के चरण कमल क्या है, उन असफलताओं को, उन दुर्घटनाओं को नष्ट करने वाले। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे कहे जाते हैं, परिभवघ्नम अभीष्ट दो हम। श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे कहे जाते हैं, अभीष्ट दोहम, दोहम का मतलब है दोहन करने योग्य, जिनसे हम अभीष्ट दोहन कर सकते हैं। जैसे गाय के स्तन से हम दोहते हैं क्या, दूध है ना, तो गाय के स्तन को कहा जाता है दुग्ध दोहम, कि दूध है हम जो है दोहें, तो गाय के स्तन इसीलिए होते हैं कि हम उससे से दूध दोहें। लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, अभीष्ट दोहम, कि हम जो भी चाहते हैं वो हम उसमें से दोहन कर सकते हैं, हम दोह लें, हमारी जो भी इच्छा हो। श्री कृष्ण के चरण कमल ऐसे हैं कि हमारी जो भी इच्छा हो हम उसको जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों से ले सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमल कहे जाते हैं अभीष्ट दोहम। तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम का मतलब सब तीर्थ निवास करते हैं श्री कृष्ण के चरण में। अगर मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा लिया तो किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता
नहीं है, सब तीर्थ श्री कृष्ण के चरणों में है। तीर्थ तीर्थास्पदम शिव विरंचनतम शरण्यम, शिव विरंचनतम श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, शिव जी के द्वारा भी वंदित हैं, और विरंची का मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा भी वंदित हैं, वो भी वंदना करते हैं। तो श्री कृष्ण के चरण कमल ऐसे शिव विरंचनतम शरण्यम, शरण्य है, शरण का मतलब है शरण लेने योग्य हैं, हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन हमें मन से शरण लेना चाहिए, है मन को श्री कृष्ण के चरणों की शरण में लगाना चाहिए। क्यों, शरण्यम शिव वृंदनतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल, और श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, भृत्यार्थी हम अपने सेवक के कष्ट को नष्ट करने वाले हैं, अपने सेवक के कष्ट को नष्ट करने वाले हैं भृत्यार्थी हम, और फिर प्रणतपाल है, श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, प्रणतपाल है, जो उनकी शरण ले उसका पालन भी करते हैं, हैं तो हर समय रक्षा करने वाले पालक करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमल प्रणतपाल है, भृत्यार्थी हम प्रणतपाल है, भवाधिपोतम और भव समुद्र के लिए जहाज है। श्री कृष्ण के चरण में अगर आप शरण लेते हैं तो भव समुद्र क्या हो जाता है, ये गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी के समान हो जाता है। तो भवाधिपोतम श्री कृष्ण के चरण कमल भव समुद्र को पार करने के लिए एक बड़ा जहाज है। भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो हे महापुरुष श्री कृष्ण आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि उनके चरण कमलों से मन जब भी इधर उधर जाए तो अपने मन को वहाँ से खींच खींच करके श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही लगाना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।